दोस्तों, भारत की धरती को ऋषि मुनि, सिद्ध और देवताओं की भूमि पुकारा जाता है। यह कई तरह के विलक्षण ज्ञान व चमत्कारों से अटी पड़ी है। दोस्तों, सनातन धर्म वेद को मानता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने घोर तप, कर्म, उपासना, संयम के जरिए वेद में छुपे इस गूढ़ ज्ञान व विज्ञान को ही जानकर हजारों साल पहले ही कुदरत से जुड़े कई रहस्य उजागर करने के साथ साथ कई आविष्कार किए थे व उनसे जुड़ी युक्तियां बताई थी। ऐसे विलक्षण ज्ञान के आगे आज भी हमारा आधुनिक विज्ञान नतमस्तक होता है। दोस्तों, कई ऋषि मुनियों ने तो वेदों की मंत्र शक्ति को कठोर योग व तपोबल से साधकर ऐसे अद्भुत कारनामों को अंजाम दिया था कि बड़े बड़े राजवंश व महाबली राजाओं को भी उनके सामने झुकना पड़ा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको आज ऐसे ही असाधारण या यूं कहें कि प्राचीन वैज्ञानिक ऋषि मुनियों के द्वारा किए आविष्कार व उनके द्वारा उजागर रहस्यों के बारे में बतलाने वाले हैं, जिनसे आप भी अब तक अनजान होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे महर्षि दधीची के बारे में। दोस्तों, महातपोबली और शिव भक्त ऋषि थे महर्षि दधीची। संसार के लिए कल्याण व त्याग की भावना रख वृतासुर का नाश करने के लिए अपनी अस्थियों का दान करने की वजह से महर्षि दधीची बड़े ही पूजनीय हुए। इस संबंध में पौराणिक कथा है कि एक बार देवराज इंद्र की सभा में देव गुरु बृहस्पति आए। अहंकार से चूर इंद्र गुरु बृहस्पति के सम्मान में उठकर खड़े नहीं हुए। बृहस्पति ने इसे अपना अपमान समझा और देवताओं को छोड़कर चले गए। देवताओं को विश्व रूप को अपना गुरु बनाकर काम करना पड़ा, किंतु विश्व रूप देवताओं से छिपकर असुरों को भी यज्ञ भाग दे देता था। इंद्र ने उस पर आवेशित होकर उसका सिर काट दिया। विश्व रूप त्वष्टा ऋषि का पुत्र था। उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए महाबली वृतासुर को पैदा किया। वृतासुर के भय से इंद्र अपना सिंहासन छोड़कर देवताओं के साथ इधर उधर भटकने लगे। ब्रह्मदेव ने वृतासुर को मारने के लिए वज्र बनाने के लिए देवराज इंद्र को तपोबली महर्षि दधीची के पास उनकी हड्डियां मांगने के लिए भेजा। उन्होंने महर्षि से प्रार्थना करते हुए तीनों लोगों की भलाई के लिए उनकी हड्डियां दान में मांगी। महर्षि दधीची ने संसार के कल्याण के लिए अपना शरीर दान कर दिया। दोस्तों, महर्षि दधीची की हड्डियों से वज्र बना और वृतासुर को मारा गया। इस तरह एक महान ऋषि के अतुलनीय त्याग से देवराज इंद्र बचे और तीनों लोग सुखी हो गए। दूसरे महर्षि हैं दोस्तों, आचार्य कनाद। दोस्तों, कनाद ऋषि परमाणु शास्त्र के जनक माने जाते हैं। आधुनिक दौर में अणुवैज्ञानिक जॉन डाल्टन से भी हजारों साल पहले आचार्य कनाद ने यह रहस्य उजागर किया था कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। तीसरे ऋषि हैं दोस्तों, भास्कराचार्य। दोस्तों, आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, किंतु बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से भी कई सदियों पहले भास्कराचार्य जी ने उजागर किया था। भास्कराचार्य जी ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है, इस वजह से आसमानी पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। चौथे ऋषि हैं फ्रेंड्स, आचार्य चरक। दोस्तों, चरक संहिता जैसा महत्वपूर्ण आयुर्वेद ग्रंथ रचने वाले आचार्य चरक आयुर्वेद विशेषज्ञ व त्वचा चिकित्सक भी बताए गए हैं। आचार्य चरक ने शरीर विज्ञान, गर्भ विज्ञान व औषधि विज्ञान के बारे में गहन खोज की थी। आज के दौर की सबसे ज्यादा होने वाली डायबिटीज, हृदय रोग व क्षय रोग जैसी बीमारियों के निदान व उपचार की जानकारी बरसों पहले ही उजागर की गई थी। पांचवे ऋषि हैं भारद्वाज। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान के मुताबिक राइट बंधुओं ने वायुयान का आविष्कार किया था, वहीं हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक कई सदियों पहले ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र के जरिए वायुयान को गायब करने के असाधारण विचार से लेकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह व एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाने के रहस्य को उजागर किया था। इस तरह ऋषि भारद्वाज को वायुयान का आविष्कारक भी माना जाता है। छठे ऋषि हैं दोस्तों, कण्व। दोस्तों, वैदिक कालीन ऋषियों में कण्व का नाम प्रमुख है। इनके आश्रम में ही राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। माना जाता है कि उनके ही नाम पर भारत का नाम भारत हुआ। सोमयज्ञ परंपरा भी कण्व की ही देन मानी जाती है। सातवें ऋषि हैं कपिल मुनि। दोस्तों, भगवान विष्णु के पांचवें अवतार माने जाते हैं कपिल मुनि। इनके पिता कंदर्व ऋषि थे। इनकी माता देवहूति ने विष्णु के समान पुत्र चाहा, इसलिए
भगवान विष्णु खुद उनके गर्भ से पैदा हुए। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इससे जुड़ा एक प्रसंग है कि जब उनके पिता कर्दम सन्यासी बन जंगल में जाने लगे तो देवहूति ने खुद अकेले रह जाने की स्थिति पर दुख जताया। इस पर ऋषि कर्दम देवहूति को इस बारे में पुत्र से ज्ञान मिलने की बात कही। वक्त आने पर कपिल मुनि ने जो ज्ञान माता को दिया वही सांख्य दर्शन कहलाता है। इसी तरह पावन गंगा के स्वर्ग से धरती पर उतरने के पीछे भी कपिल मुनि का श्राप भी संसार के लिए कल्याणकारी बना। इससे जुड़ा प्रसंग है कि भगवान राम के पूर्वज राजा सगर द्वारा किए गए यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम के करीब छोड़ दिया था। तब घोड़े को खोजते हुए वह वहां पहुंचे। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। इसे कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी पुत्रों को श्राप देकर वहीं पे भस्म कर दिया। बाद में कालो और राजा सगर के वंशज भागीरथ ने घोर तपस्या कर स्वर्ग से गंगा को जमीन पर उतारा और अपने पूर्वजों को श्राप मुक्त किया। 8वें महर्षि थे पतंजलि। दोस्तों, आधुनिक दौर में जानलेवा बीमारियों में से एक कैंसर या कर्क रोग का आज उपचार संभव है, किंतु कई सदियों पहले ही ऋषि पतंजलि ने कैंसर को रोकने वाला योग शास्त्र रचकर बताया कि योग से कैंसर का भी उपचार संभव है। 9वें ऋषि थे शौनक। दोस्तों, वैदिक आचार्य और ऋषि शौनक ने गुरु शिष्य परंपरा व संस्कारों को इतना फैलाया कि उन्हें 10,000 शिष्यों वाले गुरुकुल का कुलपति होने का गौरव मिला। शिष्यों की यह तादाद कई आधुनिक विश्वविद्यालयों की तुलना में भी कहीं ज्यादा थी। 10वें ऋषि थे महर्षि सुश्रुत। दोस्तों, ये शल्य चिकित्सा विज्ञान यानी सर्जरी के जनक व दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक अर्थात सर्जन माने जाते हैं। वे शल्य कर्म या ऑपरेशन में दक्ष थे। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा के बारे में कई अहम ज्ञान विस्तार से बताया गया है। इनमें सुई, चाकू व चिमटे जैसे तकरीबन 125 से भी ज्यादा शल्य चिकित्सा में जरूरी औजारों के नाम और 300 तरह की शल्य क्रियाओं व उसके पहले की जाने वाली तैयारियां जैसे उपकरण उबालना आदि के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में बताई गई है। जबकि आधुनिक विज्ञान ने शल्य चिकित्सा शल्य क्रिया की खोज तकरीबन 4 सदी पहले ही की है। माना जाता है कि महर्षि सुश्रुत मोतियाबिंद, पथरी, हड्डी टूटना जैसे पीड़ाओं के उपचार के लिए शल्य कर्म यानी ऑपरेशन करने में माहिर थे। यही नहीं, वे त्वचा बदलने की शल्य चिकित्सा भी किया करते थे। 11वें महर्षि हैं वशिष्ठ। दोस्तों, वशिष्ठ ऋषि राजा दशरथ के कुलगुरु थे। दशरथ के चारों पुत्र भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न ने इनसे ही शिक्षा पाई। देव प्राणी व मनचाहा वर देने वाली कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ ऋषि के ही पास थी। 12वें ऋषि हैं विश्वामित्र। दोस्तों, ऋषि बनने से पहले विश्वामित्र क्षत्रिय थे। ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को पाने के लिए हुए युद्ध में मिली हार के बाद वे तपस्वी हो गए। विश्वामित्र ने भगवान शिव से अस्त्र विद्या पाई। इसी कड़ी में माना जाता है कि आज के युग में प्रचलित प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल प्रणाली हजारों साल पहले विश्वामित्र ने ही खोजी थी। ऋषि विश्वामित्र ने ही ब्रह्म गायत्री मंत्र के दृष्टा माने जाते हैं। विश्वामित्र का अप्सरा मेनका पर मोहित होकर उनकी तपस्या भंग होना भी प्रसिद्ध है। शरीर सहित त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का चमत्कार भी विश्वामित्र ने ही तपोबल से कर दिखाया था। 13वें महर्षि हैं महर्षि अगस्त्य। दोस्तों, वैदिक मान्यता के मुताबिक मित्र और वरुण देवताओं का दिव्य तेज यज्ञ कलश में मिलने से उसी कलश के बीच से तेजस्वी महर्षि अगस्त प्रकट हुए। महर्षि अगस्त्य घोर तपस्वी थे। उनके तपोबल से जुड़ी पौराणिक कथा है कि एक बार जब समुद्री राक्षसों से प्रताड़ित होकर देवता महर्षि अगस्त्य के पास सहायता के लिए पहुंचे तो महर्षि ने देवताओं के दुख को दूर करने के लिए समुद्र का सारा जल ही पी लिया था। इससे सारे राक्षसों का अंत हुआ। 14वें ऋषि हैं दोस्तों गर्ग मुनि। दोस्तों, गर्ग मुनि नक्षत्रों के खोजकर्ता माने जाते हैं, यानी सितारों की दुनिया के जानकार। ये गर्ग मुनि ही थे फ्रेंड्स जिन्होंने श्री कृष्ण एवं अर्जुन के बारे में नक्षत्र विज्ञान के आधार पर जो कुछ भी बताया वह पूरी तरह सही साबित हुआ। कौरव पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध विनाशक रहा। तिथि क्षय होने के 13वें दिन अमावस्या थी। इसके दूसरे पक्ष में भी तिथि क्षय थी। पूर्णिमा 14वें दिन में आ गई और उसी दिन चंद्र ग्रहण था। तिथि नक्षत्रों की यह स्थिति व नतीजे गर्ग मुनि ने पहले से ही बता दिए थे। और 15वें ऋषि थे दोस्तों बौधायन। दोस्तों, भारतीय त्रिकोणमितज्ञ के रूप में माने जाते हैं महर्षि बौधायन। कई सदियों पहले ही तरह तरह के आकार प्रकार के यज्ञ वेदियां बनाने की त्रिकोणमितीय
रचना पद्धति महर्षि बौद्धायन ने ही खोजी थी। दो समकोण समभुज चौकोण के क्षेत्रफलों का योग करने पर जो संख्या आएगी उतने क्षेत्रफल का समकोण समभुज चौकोण बनाना और उस आकृति का उसके क्षेत्रफल के समान के वृत्त में बदलना, इस तरह के कई मुश्किल सवालों का जवाब बौद्धायन ने आसान बनाया था। यह थे दोस्तों प्राचीन काल के भारत में हुए 15 महर्षि जो अपने समय में बहुत बड़े बड़े आविष्कार कर चुके थे, जिनके खोज के आगे आज भी हमारा प्राचीन विज्ञान नतमस्तक होता है। दोस्तों अगर आप इन 15 महर्षियों में से किसी एक के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।